द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कृषि उत्पादों को लेकर मोदी सरकार ने जो एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था, जिसको कि जाने माने इकोनॉमिस्ट और खास करके एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी ने ये कहा कि ये एक तरह से 91 का मोमेंट है कि जो कृषि के क्षेत्र में जो सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसको लेकर पंजाब और हरियाणा की जो राजनीति थी वो पिछले दो हफ्तों में काफ़ी गर्माई हुई थी। और ख़ास करके पंजाब में अमरिंदर सिंह जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह की एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स इस पे अख्तियार किया हुआ था, वो पहले गवर्नर से मिलने गए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसके बाद उन्होंने विधानसभा का एक दिन का सत्र था उसमें उन्होंने विरोध किया और ढेर सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो किसान के संगठन थे, वो इसका विरोध कर रहे थे और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह उस किसान पॉलिटिक्स को, उनके गुस्से को उभार रहे थे। और उसको देखते हुए अकाली दल को भी एक तरह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा और कल हरसिमरत कौर ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल बीजेपी की बहुत पुरानी एलाइज है और ख़ास करके उस जमाने की सहयोगी है जब प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मिलकर एनडीए का गठन कर रहे थे। उससे पहले का उनका दोनों का एक साथ है, गठबंधन है और बहुत पुरानी सहयोगी रही है। इससे पहले शिवसेना भी बीजेपी से अलग हो चुकी है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस खबर को उस तरह से देखा गया कि सबसे पुराने दो प्रमुख जो एलाइज हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हो रहे हैं। क्या अलायंस पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, क्या बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को साथ नहीं रख पा रही है, क्या अकाली दल की जो ये पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं क्या अपॉर्चुनिज्म अवसरवाद से प्रेरित है, क्योंकि अकालियों को इस समय लगा कि ये बेहतर मौका है किसानों के साथ में खड़ा होने के लिए, इसलिए उस बिल का समर्थन करने के बावजूद पिछले अगर आप जून के ऑर्डिनेंस को देखें तो उस बिल का वो लगातार ऑर्डिनेंस का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अकाली दल उससे पीछे हट गई और उन्होंने हरसिमरत कौर से कहा कि रिजाइन कर दो। तो अकालियों की क्या है पॉलिटिक्स, अमरिंदर सिंह की पॉलिटिक्स क्या है और ख़ास करके इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना वोट बैंक है, क्या अकाली दल के अलग होने से बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो फार्मर्स बेस है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तीन मुद्दे हैं जो हम आज प्योर पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे। मैं हूं शंकर अनिमेश। कल रात में जब इस विधेयक को, यानी कि कृषि उपज और किस तरह से जो फार्मर के प्रोड्यूस होते हैं उसको कैसे बेचा जाए, उसके लिए जो सरकार विधेयक लेकर आई और उसको लोकसभा में पारित कर दिया वॉइस वोट से, उस पर जब डिबेट को मैं देख रहा था तो उसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो बड़ा डिटेल्ड उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, बहुत ही विस्तृत जवाब दिया और वो जवाब था उससे कहीं ना कहीं ये साफ दिखता था कि ये जो बिल है वो किसानों के पक्ष का बिल है और जो विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से प्रेरित है या कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या ये जो बिल है, ये लैंड ऑर्डिनेंस बिल, जो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे और उसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म के लिए एक बिल लाया था जो कि उनके लिए राहुल गांधी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी प्योर, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी, अगर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को देखें तो उनके 5-6 साल की पॉलिटिक्स का सबसे, जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, या कहें कि उन्होंने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी कि प्रधानमंत्री यानी कि सरकार को उस लैंड एक्विजिशन बिल पे घुटनों पर ला देना और जो सूट बूट की सरकार का जो उन्होंने स्लोगन क्वाइन किया था, उस स्लोगन के बाद तो यानी कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और उस ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा। ये राहुल गांधी की कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो कि गुजरात से निकलकर दिल्ली आए थे एक गवर्नेंस के लिए, एक प्रोग्रेसिव जो गवर्नेंस के उनके ऊपर ठप्पा था, वो कहीं ना कहीं उनसे उनको पीछे हटना पड़ा, लेकिन हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो विधेयक है जिससे कि हरसिमरत कौर अकाली दल की रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी सरकार से अलग हुई है, एनडीए सरकार से अलग हुई है, तो इन तीनों की पॉलिटिक्स क्या है, अकालियों की पॉलिटिक्स क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, अकाली दल के लिए सुनहरा मौका था। अकाली दल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से, एक तरह से कहें 2017 के इलेक्शन में उनकी हार हुई थी, करारी हार हुई थी, यानी कि वो कुल मिलाकर 15 सीटों पर सिमट गए थे और 2 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं
और सुखबीर बादल के लिए इससे बेहतर मोमेंट नहीं हो सकता था, अगर उनकी पॉलिटिक्स को देखें, कि इस मोमेंट को कैच किया जाए। और सुखबीर बादल ने पिछले कुछ दिनों में वो लगातार, उनको लग रहा था कि इस विधेयक का सपोर्ट किया जाए और सरकार में बने रहा जाए, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से एक चिट्ठी भी लिखवाई कि किस तरह से एमएसपी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, मंडी जो है वो बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद पिछले दो तीन दिनों में उन्हें लगा कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, जो कि अकाली दल का जो पूरा बेस है, जो उनकी जमीन है, राजनीतिक जमीन, वो रूरल सेक्टर से है, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो अकालियों का गढ़ माना जाता है, रूरल पंजाब जो है। रूरल पंजाब में अगर अकाली हारेंगे, अगर वहाँ से सीटें नहीं ला पाएंगे, और अगर वहाँ पे ये धारणा जाती है कि ये जो बिल है वो एंटी फार्मर हैं, तो अकालियों को का जो रिवाइवल है वो 2022 में नहीं होता। तो इसलिए सुखबीर बादल ने इस गोल्डन मोमेंट को कैच किया और उन्होंने पिछले दो तीन दिनों में ये मन बनाया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि उनकी पत्नी जो हरसिमरत कौर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार से हट जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो अमरिंदर सिंह की पॉलिटिक्स थी उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से वो लग गया, ब्रेक लग गया, क्योंकि अमरिंदर इस इशू को लगातार उठा रहे थे और अमरिंदर को लगता था कि अगला जो इलेक्शन होगा उसकी जमीन जो है अभी से तैयार, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, और उसके बहाने इन किसान और उस सेंटिमेंट के बहाने वो कहीं ना कहीं फिर से सत्ता में आ जाएंगे। तो अकालियों के लिए एक तरह से अगर स्टेट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उनके लिए गोल्डन मोमेंट है, उनको ये फ़ायदा मिलेगा, हरसिमरत कौर का विदाई, हरसिमरत कौर का त्याग, जिसको कि आने वाले दिनों में भुनाएंगे कि किस तरह से हमने एंटी फार्मर बिल के अगेंस्ट में इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय कैबिनेट को भी नहीं समझा कि उसमें रहने लायक जगह है, हमने लगातार विरोध किया। तो अकालियों की पॉलिटिक्स अगर देखें तो स्टेट पॉलिटिक्स में उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसको वैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, अवसरवादी राजनीति है, क्योंकि आप ये कोई ऑर्डिनेंस और बिल रातों रात तो आया नहीं, इससे पहले इस पर काफ़ी मंथन हुआ, और जब पहले ही ऑर्डिनेंस आया था उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया था, तो उस लिहाज से आप इसको अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कह सकते हैं। लेकिन राजनीति में तो अवसरवादिता, अपॉर्चुनिज्म का सही मोमेंट पर इस्तेमाल करना ही राजनीति कहलाती है। अब आते हैं अमरिंदर सिंह के पॉलिटिक्स। अमरिंदर सिंह वैसे तो एक तरह से प्रो इंडस्ट्री लीडर के रूप में उनकी ख्याति रही है, और आपको याद होगा कि जब उनका पिछला टेन्योर था तो उसमें किस तरह से वर्ल्ड बैंक और उस वर्ल्ड बैंक को पंजाब में एंट्री देने के लिए उन पर ढेर सारे आरोप लगे थे। तो प्रो इंडस्ट्री लीडर का एक प्रो फार्मर लीडर में तब्दील हो जाना वो उनकी नई पॉलिटिक्स है, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से फार्मर्स एसोसिएशन के साथ में वो उस पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो इससे संकेत मिलता है कि 2022 के बाद भी वो गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव था उसमें उन्होंने ये कहा था कांग्रेस लीडरशिप को कि ये उनका अंतिम चुनाव है, 78 साल के हो गए हैं अमरिंदर सिंह और ये उनका अंतिम चुनाव है और मुझे वोट दीजिए, और जनता ने उन्हें वोट दिया। लेकिन अब उनको लगता है कि 78 साल और 80 साल की उम्र राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, अच्युतानंद तो 93 साल तक राज करते रहे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जो बाजवा और दूसरे जो फैक्शन हैं उनको कॉर्नर करने के लिए इस इशू का सहारा लेकर वो अपने को और कंसोलिडेट कर रहे हैं अगली पारी के लिए। अब तीसरी जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स। क्या इस पूरे फैसले से हरसिमरत कौर का अलग होना, और दूसरा कि जिस ऑर्डिनेंस और जिस विधेयक जो लोकसभा से पारित हुआ है उसके बहाने क्या किसानों का जो वोट बैंक है वो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों स्टेट जहां पंजाब और हरियाणा जहां पे ये मुद्दा काफ़ी गर्म है और एक पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, और दोनों स्टेट कृषि पर आधारित स्टेट हैं, जहां पे आप समझिए 60% जो रेवेन्यू है 70% वो एग्रीकल्चर से आती है और 85% जो जनता है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज पर डिपेंडेंट है, तो वहां पे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान उठाना पड़ेगा, और क्या पूरे देश में जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उन किसानों के लिए जो दबे कुचले हैं, जो सबसे निचले पायदान पे हैं, उनके लिए इतनी सारी स्कीम लाई है, उस नेशनल सेंटिमेंट को बनाने में यह मुद्दा कामयाब होगा? मुझे लगता है कि इसमें उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन बिल था वो किसानों की जमीन लेने का एक तरह से मुद्दा था, वो विधेयक था कि अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे किसानों की जमीन जा सकती है, और किसानों के लिए जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो उनकी ज़मीन होती है, लेकिन इस विधेयक में ज़मीन लेने का कोई प्रोविज़न नहीं है। और जब नरेंद्र सिंह तोमर कल जवाब दे रहे थे उसमें उन्होंने कई बार ये कहा कि इस विधेयक के जरिए कोई किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी, बल्कि
ये एक तरह से प्रो फार्मर बिल है और जिसमें कि संजीव सान्याल जो सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें भी वो कहते हैं अशोक गुलाटी की बात को कि किस तरह से ये एग्रीकल्चर के लिए 91 का मोमेंट है कि यानी कि किसानों को आढ़तियों और जो मंडी है उससे बाहर ले जाकर वो डायरेक्ट अपने जो कृषि उपज है उसको बेच सकते हैं और ये पूरी जो एक व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें वो कहते हैं कि मुगलों का जो राज था उस मुगलों के राज से बाहर निकालने का ये प्रोविज़न है इस विधेयक के जरिए। तो ये प्रो फार्मर बिल है और खास करके अगर पंजाब की बात करें कि जहाँ पे 12-13 लाख एग्रीकल्चर फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो आने वाले दिनों में इस जो गलतफहमी अभी फैलाई गई है उससे जब वो बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि वो उनके फ़ायदे की चीज़ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री और कल जब उन्होंने 2-3 ट्वीट किए इस विधेयक के पारित होने के बाद तो उस कॉन्फिडेंस को दिखलाता है, उन्हें ये लगता है कि इस बिल के जरिए वो उस तरह का सेटबैक नहीं होगा जो लैंड एक्विजिशन बिल पे हुआ था और खास करके लॉन्ग टर्म में ये किसानों के हित में फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल है। तो इसलिए किसान का जो सेगमेंट है वो बाई एंड लार्ज उनके साथ में रहेगा और इसलिए सरकार ने ढेर सारी ऐसी आप देखेंगे कल से तमाम जो ट्विटर और फेसबुक का जो टाइमलाइन है उस पर सरकार के मंत्री स्पोक्सपर्सन इस बिल की जो खासियतें हैं उसको बताने में लगे हैं कि किस तरह से प्रो फार्मर बिल है, एंटी फार्मर बिल नहीं है। अब इस पूरी कहानी में जो अंतिम पायदान पे है कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, फिर अगर ये इतना प्रो फार्मर बिल है तो इसका विरोध कौन लोग हैं जो इस बिल की आड़ में किसानों के सेंटिमेंट को भड़का रहे हैं। तो इस बिल का जो सबसे बड़ा विरोध का जो एजेंडा है वो आढ़तिये हैं, यानी कि जो मंडी है जो पंजाब और हरियाणा की जो पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम है वो आढ़तियों के जरिए चलती है, वो मंडी सिस्टम के जरिए चलती है। मंडियों में किसान अपने अनाज को लाता है और वहाँ पे आढ़तियों के पास में अनाज जमा कर देता है, आढ़तिये उसके बदले में उन्हें पैसा दे देते हैं या चेक दे देते हैं और आढ़तिये फिर अपने हिसाब से मंडी में फसल को बेचते हैं। और ज़्यादातर जो पंजाब और हरियाणा की जो धान और चावल की जो खेती होती है वो FCI के जरिए प्रोक्योर होती है और सारा जो वहाँ का एग्रीकल्चर है वो MSP पे डिपेंडेंट है। तो ये एक भ्रम फैलाया गया कि इस बिल के जरिए MSP खत्म हो जाएगा, यानी कि जो किसान को एक मिनिमम गारंटी मूल्य पे उनकी फसल खरीदी जाती है वो MSP खत्म हो जाएगा। इससे किसानों में घबराहट फैली कि अगर और दूसरा जो सरकार इस बिल के जरिए करने जा रही है कि वो मंडी सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि अब किसान अपने घर से कोल्ड स्टोरेज से जो उसका खलिहान है वहाँ से ही फसल को बेच सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मंडी आए वहाँ पर आढ़तिये के पास अपनी फसल जमाए करे और वहाँ से MSP पे खरीदारी हो, वो अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को वो अपनी फसल बेच सकता है। तो यानी कि सरकार कहीं ना कहीं मंडी सिस्टम को डिस्करेज करना चाहती है। तो ये जो पूरा इसका विरोध है वो आढ़तिये और जो मंडी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं जो बड़े प्लेयर हैं उसमें ढेर सारे जो आढ़तिये हैं जो मंडी सिस्टम को ऑपरेट करने वाले प्लेयर्स हैं वो BJP के लोग भी हैं, वो अकाली के लोग भी हैं और वो ज़्यादातर हिंदू सिख हैं। तो इससे BJP को खास करके पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है वो किसानों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए इसका जो विरोध और इसका जो पूरा मूवमेंट है वो आढ़तिये लीड कर रहे हैं और 1800-1900 करोड़ का एक तरह से ये पूरा बिजनेस है आढ़तियों का और मंडियों का, जो कि जो कमीशन मिलता है 2.5% का आढ़तियों को और साथ ही मंडी का जो अपना कमीशन है, तो वो पूरा खेल है इस विरोध के पीछे जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस जो पूरी कहानी है इन तीनों बिल का जो जिसको कि लोकसभा ने पारित किया है उसके पीछे अकाली दल का जो विरोध है वो अपनी स्टेट पॉलिटिक्स को देख रही है, अमरिंदर सिंह 2022 के इलेक्शन को देख रहे हैं और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस पूरे सिस्टम को यानी कि जो APMC एक्ट को सुधारना चाहते थे और इसके लिए काफ़ी सालों से डिमांड हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें सारे एक्सपर्ट को आप देख लें, उनके आर्टिकल को पढ़ लें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख लें और कल नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी दिखाया जिसमें कि दिखाया कि कांग्रेस ने भी ये प्रॉमिस किया था कि वो APMC एक्ट को सुधारेंगे, तो कांग्रेस किस बिना पे ये विरोध कर रही है। तो ये एक लॉन्ग ड्यू रिफॉर्म था और जिसको कि प्रधानमंत्री ने बोल्डली और बहुत ही साहसिक कदम के तौर पे उसको उठाया है। शायद अगर ऐसा ही कदम वो लैंड एक्विजिशन बिल पे भी उठाते, और उस समय का एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ कि जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, पूर्व वित्त मंत्री, उनके उन सबसे हम लोग उनके कमरे में जाया करते थे और काफ़ी सालों से उनके साथ में हमारी अच्छी दोस्ती थी।
तो जब सूट बूट की सरकार राहुल गांधी ने क्वाइन किया और उसके बाद सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा इस बिल पे, तो मैंने जेटली साहब से पूछा कि आप इतना एक बोल्ड डिसीजन आप लाने वाले थे इस पूरे रिफॉर्म के जरिए, कि यानी कि रोज़गार इस देश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है कि रोज़गार कहाँ से आएगा? रोज़गार तभी आएगा जब इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री कैसे लगेगी? इंडस्ट्री को ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन मिलती नहीं है, उसके लिए आप ये बिल लेकर आए, लेकिन आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो जेटली ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस समय हम अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी को देखें या इंडस्ट्री को देखें? तो जेटली की जो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी थी वो बहुत कम नेताओं में थी, और ये अलग बात है कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री बने थे और उनको लगा कि अपने टेनियर की शुरुआत करना इस तरह से विवादित मुद्दे के साथ, वो कहीं ना कहीं उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी जो किसानों का सेगमेंट है उसको खराब लगेगा, और इसलिए उस बैकफुट पे चले गए। लेकिन वो भी एक हिस्टोरिक बिल था और सरकार को आने वाले दिनों में कम से कम ये फैसला करना चाहिए कि अपना जो सोशलिस्ट एजेंडा है उसके साथ में प्रो इंडस्ट्री यानी कि रोजगार क्रिएशन के लिए उस बिल पे भी ध्यान देना चाहिए। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे सोशल मीडिया के ढेर सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उसके साथ लगातार जुड़े रहें।